चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने पंजाब सीएम के बयान की निंदा की है। कैप्टन का बयान, उन्होंने कहा कि हरियाणा की इकोनॉमी बर्बाद करने वाला है। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में आंदोलन करने की कहना सही नहीं है। आंदोलन की वजह से लोगों का रोजगार बर्बाद हुआ है, ये धनखड़ ने कहा है। धनखड़ का बयान, ओपी धनखड़ ने कैप्टन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में आंदोलन करने की कहना सही नहीं है। साथ ही साथ ओपी धनखड़ ने बयान देते हुए पंजाब सीएम के बयान की निंदा की है। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बयान की निंदा की है और निंदा करते हुए कहा कि कैप्टन का बयान हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला है। हरियाणा के सब लोगों को इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये बड़ी आई ओपनर विषय है जो उनके मुख से निकल गया कि मेरी इकोनॉमी बचाओ और वहां की इकोनॉमी का जो होता है होने दो। हरियाणा के सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी पूरी आबादी को, 3 करोड़ लोगों को, कि हरियाणा एक फलता फूलता राज्य है। यहाँ धंधे ठीक से फल फूल रहे हैं, यहाँ की GDP अच्छी मात्रा में बढ़ रही है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बजट का अच्छा पैसा खर्च कर पाते हैं, हम खुशहाली की तरफ इस रास्ते से बढ़ रहे हैं और हमारी खुशहाली पर कोई नजर लगाने के चक्कर में है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कोई आंदोलन का सहारा लेता है, तो ये कदापि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता। किसान हरियाणा